और मोदी जी ने कहा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई इलाका नहीं, सब इलाके हमारे हैं, सभी धर्म हमारे हैं, सभी जातियां हमारी हैं और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को लेकर मोदी जी चल पड़े। और इसीलिए आज विकास के हम नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे जनजाति भाई यहां बैठे, मैं बता देना चाहता हूं सभी सरकारों ने जनजातीय पार्टी जनजातीय लोगों के साथ राजनीति की, राजनीति की, उनको कुछ बदलाव नहीं दिया। अगर जनजातियों को जनजाति गौरव दिवस मनाकर जनजातियों को पहचान दी तो मोदी जी ने दी, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज पावन पुण्य भूमि उड़ीसा में खड़ा हूं। कभी सोचा था कि कोई महिला आदिवासी भारत की प्रथम नागरिक बनेगी? कभी सोचा था? सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो मोदी जी ने करके दिखा दिया, आज महिला, हमारी आदिवासी महिला भारत के प्रथम नागरिक बनकर के, राष्ट्रपति बनकर के वो हमारे बीच में विराजमान है। ये सिर्फ राष्ट्रपति बनना ही नहीं, ये महिलाओं का और आदिवासी भाइयों का गौरव को स्थापित किया मोदी जी ने, भारत में स्थापित किया, दुनिया में स्थापित किया, ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं आदिवासी भाई, आपका बजट, ज्वेल राव जी जानते हैं, आपका बजट मोदी जी ने एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, तीन गुना बढ़ा दिया है और आपके विकास की उन्होंने चिंता की है। ये जो एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं ना, ये आदिवासी बच्चों के पढ़ाई के लिए, इसका बजट प्रधानमंत्री जी ने एक गुना नहीं, पांच गुना नहीं, दस गुना नहीं, पंद्रह गुना नहीं, 21 गुना बजट बढ़ा दिया, 21 गुना बजट बढ़ा दिया। क्यों? हमारा आदिवासी बच्चा कोई पढ़ाई से वंचित न रह जाए, हमारा आदिवासी बच्चा बोर्डिंग स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ करके वो भारत के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चले और आगे बढ़े, इस बात को सोच करके किया गया। ये इतनी दूर की सोच करने का काम किया। हमारे ये जो जंगल में होने वाले प्रोड्यूस है ना, पहले सिर्फ 10 प्रोड्यूस पे, जुअल भाई 10 प्रोड्यूस पर आपको एमएसपी मिलती थी, आज 90 प्रोड्यूस पर, यानी 90 तरीके के किस्म पर एमएसपी भारत सरकार दे रही है। इस तरीके से विकास का काम चल रहा है। ये जो स्वच्छता अभियान है, अगर 12 करोड़ स्वच्छता अभियान में घर बने, इज्जत घर बने, टॉयलेट बने, तो 1.5 करोड़ घर, इज्जत घर आदिवासी इलाकों में बने, आदिवासी बहनों के लिए बने, आदिवासी भाइयों के लिए बने। और इसी तरीके से हमारे वंदन केंद्र, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 4,000 करोड़ रुपए रखा है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए वो खर्च हो गया और आगे भी 4,000 करोड़ रुपए पड़ा है। मित्रों, मोदी जी ने कभी भी हमारे आदिवासी भाई को वोट बैंक की तरह नहीं देखा, हमारे भाई समझा, देश के नागरिक समझा और उनको मुख्य धारा में लाने का काम मोदी जी ने किया है, ये भी आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।